We will solve questions on normal loss. Normal loss are the loss which incurs in transmission of goods. Like when we will transmit the oil, there may be some evaporation of oil due to which oil gets lost, or while transmission of coals, there may be some loading and unloading loss, in which we will calculate it in closing stock only. There will be no separate ledger account for normal loss. So now let's read this question. X sent to Y 1000 tons of coals at rupees 200 per ton. Here X is consigner and Y is consignee. X incurred expenses rupees 5000 on carriage, rupees 2000 on insurance during transmission, 100 tons of coals lost due to loading and unloading. Here 100 tons of coals is lost, it is normal loss. Y paid 6000 on advertisement. He sold 800 tons of coals at rupees 300 per ton. He was entitled for commission at the rate of 8% on total sales. So we will try to solve this question. There will be no separate ledger account for normal loss. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे जो हमने कंसाइंड किया है, गुड्स टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. हमने 1000 टन्स ऑफ गुड्स कंसाइंड किया है 200 पर टन्स, तो इसके हो जाएंगे 2 लाख रुपीस. ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में था कि एक्स कंसाइनर जो एक्स है उसका एक्सपेंडिचर है टू कैश और ऑब्लिक वी कैन राइट बैंक ऑल्सो. तो उसका एक्सपेंसेज है कैरेज में उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है 5000. ठीक है, उन्होंने इंश्योरेंस में एक्सपेंस किया है, इंश्योरेंस में उनका एक्सपेंडिचर है 2000 रुपीज. ठीक है, तो ये 5000 प्लस 2000 विल बी टोटल 7000 एक्सपेंडिचर मेड बाय एक्स. तो अब हम करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन 100 टन्स ऑफ कोल्स लॉस्ट. अब यहाँ पे है कि 100 टन्स ऑफ कोल्स लॉस्ट हो गया, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में. इसका अभी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे. फिर आगे देखते हैं क्या है कि वाई पेड 6000 ऑन एडवर्टीजमेंट. तो टू वाइज अकाउंट कंसाइनी हैड ऑल्सो मेड सम एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. तो अमाउंट इज अराउंड 6000 रुपीज, तो हमने उसकी एंट्री कर दी है. उसके बाद है कि एक्स सेल्स किए हैं 800 टन्स ऑफ कोल्स. तो इसका एंट्री करने से पहले हम लोग वाई का जो कंसाइनमेंट अकाउंट में किए हैं, तो हम लोग इसको कंसाइनी अकाउंट वाई के भी अकाउंट में कर देते हैं. तो कंसाइनमेंट में डेबिट साइड हुआ था, तो कंसाइनी में क्रेडिट साइड होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. इसका अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे 6000, हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंसेस. ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल्स का. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 800 टन्स 300 रुपीस पर टन्स के कॉस्ट पे सेल्स हुआ है, तो एंट्री होगा बाय वाइज अकाउंट व्हेन वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ सेल्स, दैन वो आएंगे 2,40,000. ठीक है, तो हमने ये सेल्स कर दिया. अब इसमें कमीशन है कि 8% कमीशन देंगे, तो कमीशन का एंट्री हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में करेंगे डेबिट साइड में टू वाइज अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कमीशन. जब हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन का, तो 2,40,000 का 8% अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 19,200. आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो मैंने कर दिया सेल्स का एंट्री, लेकिन ये सेल्स का आप अगर जर्नल एंट्री देखें तो इसका वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो वाई अकाउंट में भी, तो वाई के भी लेजर में तो डेबिट साइड होना चाहिए, तो इसका मैं एंट्री पास करूँगा वाइज अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल दूंगा मैं अमाउंट 2,40,000. ठीक है फ्रेंड्स, और कमीशन जब हमने पे किया है वाई को, तो वाई के क्रेडिट साइड में भी कमीशन होगा
बाय कंसाइनमेंट, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा आपने कन्वीनियंस के लिए कमीशन, अमाउंट है हमारा 19,200, ठीक है, हमने यहाँ तक हम ठीक कर दिया। अब हमारा टाइम आ गया है कैलकुलेट करने का क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग नॉर्मल लॉस भी हुआ है, तो सबसे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ कोल यहाँ पे हमारा गुड्स है, तो अगर हम इसका निकालें तो 1,000 टन ऑफ रुपीज 200 पर टन, तो इसका हमारा निकल जाएगा 2,00,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक्सपेंसेस देखेंगे, क्या क्या एक्सपेंसेस किया गया है इसको ट्रांसमिट करने टाइम, यानी कि कंसाइन करने टाइम। तो एक्सपेंडिचर मेड बाय एक्स, ठीक है, तो उन्होंने किया है 5,000 कैरेज पे, ठीक है, और प्लस 2,000 इंश्योरेंस पे, ठीक है, 5,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू यहाँ पे 7,000, ठीक है, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब हम निकालेंगे कि हमने, मेरे पास आया था 1,000 टन्स ऑफ कोल्स, जिसमें से 800 टन्स हमने सोल्ड कर दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, तो 1,000 टन हमारे पास आया था जिसमें से 800 टन्स हमने सेल्स किया और 100 टन्स जो है नॉर्मल लॉस है, तो हमारे ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 100, ठीक है। तो अब जब 2,07,000 जो है टोटल 1,000 टन पे 1,000 टन का कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालते हैं, तो 2,07,000 ये है आपको टोटल 1,000 ऑफ टन पे, ठीक है। लेकिन इसमें से हमने तो यहाँ पे हमारे ट्रांसमिशन में लॉस हुआ है 100 टन, तो इसका कैलकुलेशन के लिए तो अब हम लोग क्या मानेंगे कि इतना तो हम लोग का एक्सपेंडिचर हो गया है 900 टन्स पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का नॉर्मल लॉस में, तो यहीं पे सबसे बड़ा पॉइंट लिखना है। यहाँ पे हर एक वीडियो में हमने डालता था 1,000 क्योंकि ये टोटल 1,000 पे था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 900 डालेंगे क्योंकि 100 टन्स तो हमारा लॉस हो गया, उसका मेकअप तो कहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे मान लिया कि टोटल 900 टन्स का कॉस्ट है 2,07,000। 2,07,000 जब 900 का है तो 100 टन्स का क्या होगा, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 23,000, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 900 टन्स जो है, इसलिए 900 टन्स आया है क्योंकि ये तो 2,07,000 जो है वो 1,000 टन्स पे है, लेकिन 100 टन्स हमारा लॉस हो गया है, तो हम लोग मान लेंगे कि 900 टन्स का ही कॉस्ट 2,07,000 है, क्योंकि हमें तो मेकअप तो करना होगा, बिजनेसमैन तो लॉस में नहीं जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 900 टन्स पे ही कैलकुलेट किया है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट डाल देंगे 23,000, ये हमारा 23,000 है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो यहाँ आएगा 2,00,000, ठीक है, 63,000, ठीक है, और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं 2,63,000, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा, पीएल अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 30,000
800, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग अकाउंट कर दिए हैं हम लोग, कंसाइनमेंट का अकाउंट क्लोज कर दिए, पीएल आ जाएगा 30,800, ठीक है। अब हम वाई का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो वाई के अकाउंट में यहाँ का टोटल कर देते हैं तो 2,40,000, यहाँ भी 2,40,000। अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग निकालें तो बाय बैलेंस सीडी अमाउंट चल जाएगा 2,14,800, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में दिया रहता कि वाई हैड पेड बैलेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, तो यहाँ पे हमारा बस कुछ नहीं, एक जगह बस हम लोग चेंज कर देते, यहाँ पे बैलेंस सीडी के जगह बाय बैंक डाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि वाई हैड पेड रेस्ट ऑफ द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, तो हम लोग देते हैं। अगर दिया रहता कि इन द फॉर्म ऑफ कैश हैड वाई हैड पेड, तो वहाँ पे बाय कैश कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस, नहीं है ये एबनॉर्मल लॉस, ये नहीं है हमारा, ये हमारा है नॉर्मल लॉस। हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मल लॉस लेके बनाए हैं, क्योंकि कोल्स का लोडिंग एंड अनलोडिंग में कुछ लॉस होना, ऑयल का एवोपोरेट हो जाना, वो सब हमारे नॉर्मल लॉस में आते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस पे क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो कमेंट इट, इट्स अपॉन यू। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।